नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले, इन दिनों राखी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और जिसको लेकर चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है। खासकर विद्यालयों में राखी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में मदर्स इंटरनेशनल अकेडमी में राखी बनाओ थाली सजाओ प्रतियोगिता बच्चों के बीच आयोजित की गई। वहीं बच्चों के बीच कई तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रतियोगिता आयोजित की गई। सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी में सोमवार को कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कला प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी निभाई। बालिका वर्ग में छात्र छात्राओं ने राखी निर्माण और थाली की सजावट में अपना कौशल दिखाया। इस दौरान कक्षा तृतीय से कक्षा षष्ठ तक के सैकड़ों छात्रों ने बांस, मिट्टी, कागज और लकड़ी का एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प निर्माण कर अपनी कलाकारी का जौहर दिखाया। कला प्रतियोगिता में पॉट पेंटिंग, कॉलेज, ट्राइबल पेंटिंग, फोटो फ्रेम, चंद्रयान 3 की पेंटिंग, पशु पक्षी की मनमोहक मूर्ति आदि कई प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया। विद्यालय की कला और संस्कृति निदेशिका दृष्टि गर्ग की देखरेख में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक मनोज कलबलिया छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहे कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्र छात्राओं की बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य है। मधुस्थली विद्यापीठ में भी बच्चों के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांवरियों की सेवा के लिए स्काउट एंड गाइड्स के बच्चे देवघर जाकर कांवरियों की सेवा की। साथ ही दूसरे दिन विद्यालय में राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मधुस्थली कैंपस स्थित मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और मधुस्थली विद्यापीठ के संयुक्त प्रयास से विस्तार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक की गई, जिसमें रविवार को बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन हेतु आने वाले तीर्थयात्रियों हेतु पानी तथा शरबत वितरण संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। इसके पश्चात संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा हमारे सुरक्षा में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को राखी बांधी गई। तत्पश्चात चांडी देवघर स्थित वृद्धाश्रम में अंग वस्त्र वितरण संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को एक राखी बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने आकर्षक और रंग बिरंगी राखियों का निर्माण किया। इसके पश्चात ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक 4 सदस्यीय टीम, जिसमें ब्रह्म कुमारी सरिता बहन, स्नेहलता बहन, अंजलि बहन तथा नरेश भाई द्वारा एक कार्यक्रम मधुस्थली के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राखी के महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा हस्त निर्मित राखी सभी ब्रह्म कुमारी के बहनों और भाइयों को बांधी गई। तत्पश्चात ब्रह्म कुमार के बहनों द्वारा उपस्थित सभी को राखी बांधी गई। उक्त कार्यक्रम में मधुस्थली परिवार के 3 संस्थान के सभी कर्मचारीगण तथा छात्र छात्राएं उपस्थित थे। स्वयंसेवी संस्था संवाद के द्वारा पथलजोर पंचायत अंतर्गत नैयाडीह के आदिवासी टोला में किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संवाद संस्था के सचिव घनश्याम जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रखंड के पथलजोर पंचायत अंतर्गत नैयाडी आदिवासी टोला में संवाद के सहयोग से किसान क्लब नैयाडी, लगरमारा और पहरेडी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला का उद्घाटन संयुक्त रूप से समाजकर्मी घनश्याम मांझी, हराम बोधन किश्कू, शिवलाल किश्कू, मुखिया मरियम टुड्डू, अतवारी सिंह, झरी सिंह, एनी टुड्डू आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर घनश्याम भाई ने कहा कि 42 साल पहले यहां जंगल बचाने का आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन का ही परिणाम है कि क्षेत्र का जंगल जीवंत है। आज भी यहां का संगठन जंगल को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है। पूरे राज्य सुखाड़ की चपेट में है। जंगल की वजह से ही यहां के इलाकों में तुलनात्मक रूप से खेती का काम अधिक हो पाया है। इस समय यही देखा गया कि जहां जंगल या अधिक पेड़ पौधे हैं, वहां खेती का काम ज़्यादा हुआ। जाहिर है, जब तक जंगल या पेड़ जीवंत रहेंगे, खेती किसानी के काम पर संकट कम आएगा। जंगल और पेड़ पौधों को बचाए रखना जरूरी है। किसान मेला का उद्देश्य जैविक खेती और परंपरागत बीजों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। इस बार के सुखाड़ को देखते हुए खेती के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद करके जैविक खेती व परंपरागत बीज को अपनाना होगा। इन तमाम कामों के लिए ग्राम सभा और उनकी स्थायी समिति का सक्रिय होना जरूरी है। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम और बाल सुरक्षा अभियान के तहत अनुमंडलीय अस्पताल में
सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को नेत्र जांच का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका समापन सोमवार को हुआ। अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अभियान के तहत अनुमंडलीय अस्पताल सभागार में सोमवार को शिक्षकों का नेत्र जांच प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण में प्रखंड के बुढ़ई, जगदीशपुर, मिशरना, गोविंदपुर, जमुनी, भिरखीबाद संकुल के शिक्षकों ने भाग लिया। मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने कहा कि 1 सितंबर से 21 सितंबर तक शिक्षकों के द्वारा अपने अपने स्कूल में बच्चों का स्क्रीनिंग करना है। इसके लिए सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चों का नेत्र जांच चिकित्सक के द्वारा संकुल स्तर पर अक्टूबर में किया जाएगा। अगर बच्चों को जरूरत पड़े तो निःशुल्क चश्मा भी वितरित किया जाएगा। प्रशिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को चार्ट के माध्यम से दृष्टि दोष पहचान की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं स्कूल स्तर पर फॉर्म भरने वाले फॉर्म के बारे में भी बताया। कहा कि 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच सभी बच्चों का नेत्र स्क्रीनिंग शिक्षकों के द्वारा करते हुए फॉर्म को भरना है। शहर के जगदीशपुर स्थित PIDT लोकशाला आनंदालय के हुनरमंद महिलाओं के द्वारा राखी बनाया जा रहा है। इस राखी को लेकर लोगों के बीच इसका काफी क्रेज है। JSLPS की डायरेक्टर ने उन महिलाओं के हुनर को काफ़ी सराहा है और कहा कि इन महिलाओं की कारीगरी को अब पूरे झारखंड में फैलाना है और इससे उनके आय का स्रोत को बढ़ाना है। पिट्स लोकशाला पीपल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को हाथ से बुनी राखियां बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका क्रेज इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि JSPLS की CEO बरीशा परिदा को ये राखियां बहुत पसंद आई। उन्होंने घोषणा की है कि राखी बनाने के इस विचार को पूरे झारखंड में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के स्तर पर उठाया जाएगा। इस संस्था में महिला कारीगरों के साथ काम करने वाले इसे मधुपुर का गौरव मानते हैं और भविष्य में महिला कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सभी इच्छुक दीदियों के लिए करघे के माध्यम से इन राखियों का निर्माण वर्षों से किया जा रहा है। पिट्स अतीत में महिला कारीगरों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए बेहतर आजीविका कमाने का आधार बनाने के लिए इस क्षेत्र में विभिन्न शिल्पों से जुड़ रहा है। पिट्स निदेशक सी इंदिरा दास गुप्ता, जिन्हें बबली दी के नाम से जाना जाता है, कहती हैं, अगर मेरा सरल विचार इतनी सारी महिलाओं की दुनिया को बदल सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। भारत के मशहूर गायक मुकेश कुमार की पुण्यतिथि पर शहर के बैडमिंटन हॉल में मुकेश किशोर कुमार नाइट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य अतिथि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध उद्योगपति परमेश्वर लाल गुड़गुटिया व मधुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस कार्यक्रम में कई स्थानीय कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा, साथ ही आसनसोल दुर्गापुर से आए कलाकार ने भी समा बांध दिया। मधुपुर के नामी गायक ब्रायन ने अपने गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मशहूर पार्श्व गायक मुकेश कुमार की पुण्यतिथि पर मधुपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा व प्रसिद्ध उद्योगपति परमेश्वर गुटगुटिया ने किया। मौके पर कोलकाता, आसनसोल, दुर्गापुर के कलाकारों ने अपने गीत संगीत के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं अंतर्राज्यीय ख्याति प्राप्त कलाकार सन्नी ब्रायन द्वारा किशोर कुमार की आवाज में गाए गीत को लोगों ने खूब सराहा। इसके अलावा दर्जनों स्थानीय कलाकारों को भी गाने का मौका दिया गया। मौके पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव, मोती सिंह, सपना खातून, प्रिंस समद, राजेश कुमार, राशिद खान, पंकज तिवारी, गुड्डू दुबे, अनिल राव, संजय शर्मा, अमर शर्मा, अवनी भूषण, शैलेंद्र गौतम, चंद्रकिशोर बसंत, मलका, शबाना प्रवीण, श्याम, बीनू यादव समेत सैकड़ों लोगों ने देर रात तक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया।
Thank you.
मधुस्थली विद्यापीठ गेट प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 साइंस कॉमर्स एंड तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है अभी आगाज है। तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब